नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभा तिवारी और अचीवर्स आईसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। भारत में क्रेडिट रेटिंग या ऋण रेटिंग पर जानकारी मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी CIBIL मींस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, जिसे हम सिबिल भी कहते हैं, ने SDFC बैंक के राजेश कुमार को अपना नया प्रबंधक निदेशक मतलब MD और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किए जाने की घोषणा की है, मतलब CEO। वह सतीश पिल्लई का स्थान लेंगे जो अमेरिका की एक कंपनी के एशिया रीजन बिजनेस अध्यक्ष बनने के लिए ये कंपनी छोड़ रहे हैं। सिबिल ज्वाइन करने से पहले कुमार SDFC बैंक में रिटेल ऋण और जोखिम के ग्रुप अध्यक्ष थे। वह राष्ट्रीय वित्त उद्योग और ग्राहकों को सपोर्ट जारी रखने के लिए सिबिल इंडिया के कारोबार को अगले चरण में ले जाने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा सिबिल की स्थापना अगस्त 2000 में हुई थी। सिबिल अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह ट्रांस यूनियन का एक हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी पर हम बात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय बैंक संघ के समारोह में EASE 2.0 वार्षिक रिपोर्ट के साथ बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा और कार्य कुशलता बढ़ाने का एजेंडा EASE 3.0 लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होगा इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। यह आकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट और प्रौद्योगिकी सक्षम बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। EASE 3.0 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग को स्मार्ट और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाने के लिए उन्नत समाधान मिलने की संभावना है। EASE 3.0 के सुधार एजेंडा के द्वारा मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं की एंड टू एंड डिजिटल डिलीवरी, बैंकिंग ऑन गो के लिए पाम बैंकिंग जैसी कुछ प्रमुख सुविधाएं कैंपस, स्टेशन, कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसे अक्सर देखे जाने वाले स्थानों पर प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में ग्राहक के अनुभव को डिजिटल बनाना है। आगे हम बात करेंगे 5 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली मारिया सारापोवा के बारे में, जिन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है, उसे अलविदा कह दिया है। 5 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम करने वाली मारिया सारापोवा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे हम इस सीरीज में बात करते हैं। जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। वह वर्तमान में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। वह 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। वह विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें नेपाल में भारत के वर्तमान राजदूत मनोज सिंह पुरी के स्थान पर अगला राजदूत बनाया गया है। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फिलहाल अभी इमैनुएल मैक्रॉन हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा यूरो या CFP फ्रांस है। और भी अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले आपके एग्जाम्स की तैयारी मेरे साथ आपकी बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद।